चलिए खबरों में बात करेंगे चमोली की, जहां पर सांप्रदायिक सद्भावना अभियान के तहत जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की अध्यक्षता में स्पोर्ट स्टेडियम गोपेश्वर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। मैराथन में जनपद के 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ ही जिला बार एसोसिएशन चमोली के अधिवक्ता एवं शिक्षकों ने इस मैराथन में भाग लिया है। मैराथन दौड़ में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिला न्यायाधीश श्री नरेंद्र दत्त एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सचिन कुमार ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भावना अभियान के तहत रन फॉर नेशन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य आपसी सद्भावना को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चमोली से संदीप की रिपोर्ट। जो कि 25 तारीख में होंगे वहाँ के विभिन्न स्कूल में, यहाँ जिसमें हमारे सभी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जैसे कि सिंगिंग, डांस, पेंटिंग और स्पीच कॉम्पिटिशन, वो सभी होंगे, जिसका बाकी हमारा जो समापन होगा वो हम 26 तारीख में, जैसे हमारा समापन होगा।